हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से हमारे YouTube चैनल टेक्निकल अमित आईटी में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ, यदि आप भी YouTube पर कोई भी रिंगटोन देखते हो और आप भी उसका अपने मोबाइल फ़ोन में रिंगटोन लगाना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई भी आपको रिंगटोन पसंद आ जाता है, जैसे कि मैं यहाँ पर रिंगटोन हिंदी डाल देता हूँ और आपको कोई भी हिंदी में रिंगटोन यहाँ कुछ दिख जाता है, ठीक है, और आपको पसंद आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप लोग कैसे YouTube से ही कोई भी रिंगटोन को अपने मोबाइल के रिंगटोन को कैसे लगा सकते हो, मतलब किसी का फ़ोन आए तो आपके फ़ोन में वो वाला रिंगटोन बजे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल पर न्यू है या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक न्यू मूवी आई है, ठीक है, उसका मैं यहाँ पर सॉन्ग सर्च करूँगा रिंगटोन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिंगटोन यहाँ पर सर्च कर दिया और यहाँ पे ये रिंगटोन आ गया। तो इसका नाम है रिंगटोन का, आप लोग नाम सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, उसी रे निथाने, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम याद कर लीजिएगा एंड यहाँ बैक करना है, ठीक है। बैक करने के बाद आप लोग को अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र पर आने के बाद आप लोग को यहाँ पर क्या सर्च करना है, मॉप कप, ठीक है। तो मॉप कप जैसे लिख कर सर्च करेंगे, तो मैं यहाँ पर मॉप कप लिख कर सर्च कर दिया, तो यहाँ पर मॉप कप की रिंगटोन की ओरिजिनल वेबसाइट आ जाएगी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब इसे मॉप कप वाले वेबसाइट पर आप लोग क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वेट करेंगे, ऊपर सर्च रिंगटोन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर वही नाम है आप सर्च कर देना है। चलिए वही नाम हम यहाँ डाल देते हैं। यहाँ पर रिंगटोन का नाम सर्च कर दिया है और आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे रिंगटोन का नाम सर्च किए तो यहाँ पर आ चुका है और ये तमिल रिंगटोन है। अब डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ ऑप्शन ऐसा दिखेगा, तो डाउनलोड MP3 फॉर एंड्रॉयड, यदि आप आईफोन में डाउनलोड कर रहे हो तो आपको आईफोन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर MP3 डाउनलोड करूँगा, एंड्रॉयड मेरा फ़ोन है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, थोड़ा सा वेट करूँगा और यहाँ पर डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ गया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग प्ले भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे और अभी मेरा ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं और यहाँ पर डाउनलोड हेयर टू रिंगटोन MP3, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरी फाइल ये डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से सिंपल सा बैक जाना है। अब आपको अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। अब जैसे मोबाइल की सेटिंग को ओपन करेंगे तो आपको नीचे जाना है, यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर टैप करना है, रिंगटोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे रिंगटोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये रिडायरेक्ट कर देगा आपके अकाउंट पे मोबाइल के, ठीक है, MI में। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से रिंगटोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नीचे एक प्लस का आइकन होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जो आपने रिंगटोन डाउनलोड की है, ऑडियो फाइल में जाइएगा और जहाँ पर आपकी ये रिंगटोन डाउनलोड हुई है यहाँ पर आ जाएगी, ये रिंगटोन आ चुकी है तमिल रिंगटोन, ठीक है। अब यहाँ पर टिक मारते हैं, इसको ओके करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ चुका है और आने के बाद इसको अप्लाई पर क्लिक करके और सिम वन या सिम टू में सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं सिम वन में सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर सक्सेसफुली अप्लाइड हो चुका है। अब कोई भी फ़ोन करेगा तो मैं आप सभी को सुना देता हूँ किस तरीके का यहाँ सॉन्ग बजेगा। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पर सॉन्ग मैंने बजेगा कोई भी कॉल करेगा। तो इसी प्रकार से आप लोग YouTube पर 2022 में कैसे रिंगटोन को सेट कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ में।